अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 47th एपिसोड के साथ। और जो टॉपिक चल रहे हैं फेसबुक के हवाले से, फॉर फेसबुक को हम बिज़नेस के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिवली, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली दो एपिसोड्स में मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई, और आज थोड़ा सा और पेजेस की तरफ जाऊंगा कि पेजेस में आप पेजेस और ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन से आप अपने पेजेस को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया था कि पेजेस में जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनको हमने कैसे सेट करना है। अब इसमें एक बहुत अहम चीज़ अगर आप देखें तो रिव्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ टैब्स होते हैं ना पेजेस में, जिसमें अबाउट अस है। अबाउट अस को आपने बड़ा अच्छा तरीके से कंप्लीट करना है सारा आपकी चीज़ होनी चाहिए। अब तो फेसबुक पेजेस में शॉप भी क्रिएट हो जाती है फुल फ्लैज अगर आप उसमें जाए, क्योंकि फेसबुक आने वाले दिनों में अपना पेमेंट सिस्टम भी लेकर आ रहा है, अपनी करेंसी भी लेकर आ रहा है। तो फिर ये एक पूरा शॉपिंग जो है प्लेटफॉर्म बनता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह मुख्तलिफ टैब्स के ऑप्शंस आपको पेज की सेटिंग्स में जाके नज़र आएंगे, जिसमें एक रिव्यू का भी होता है, एक अबाउट अस का भी होता है। अबाउट अस को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उससे आपकी जो विजिबिलिटी है फेसबुक पे वो बढ़ती है। और दूसरी चीज़ जो अहम है जिससे आपके पेज की रैंकिंग ऊपर नीचे होती है, वो क्या है, वो है रिव्यू। यानी कि आप अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने बहन भाइयों को कहें कि अपने पेज पर सबसे अच्छे रिव्यूज़ दें आके ना अपने अपने अकाउंट से, ताकि आपके जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे आपकी पेज की रैंकिंग उतनी अच्छी होती जाएगी। सेकंडली, जो चीज़ आपके पेज की रैंकिंग बढ़ाती है वो है आपका इन टाइम और क्विक रिस्पांस। अगर आपके पेज पर कोई मैसेज आता है तो आपको फौरन उसको जवाब देना है, ठीक है। आप जितनी इसमें क्विकनेस आप दिखाएंगे उतना पेज आपका अच्छा रैंक होगा फेसबुक में सर्चेज में। और तो इसलिए दो चीज़ें अहम आपने नोट की हैं, एक तो ये है कि रिव्यूज़ आपके अच्छे होने चाहिए। बेसिकली आप 10-15 तो आपके इतने तो हर किसी का सोशल नेटवर्क होता ही है कि आप एक जब आप एक पेज नया स्टार्ट करें तो आप अपने दोस्तों को यारों को कह के कोई एक अच्छा रिव्यूज़ से स्टार्ट करें। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ, कॉमेंट्स आप डिलीट कर सकते हैं लेकिन आप रिव्यूज़ डिलीट नहीं कर सकते। अगर खुदा न खास्ता किसी ने आके आपके बिज़नेस के बारे में कुछ गलत रिव्यू लिख दिया, कमेंट कर दिया, तो वो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसके आगे मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ दिलवाते जाएं, ताकि वो जो बुरा रिव्यू है, जो कि नेगेटिव रिव्यू है, वो नीचे चला जाए। तो बस यही एक स्ट्रेटजी हम उसमें करते हैं कि वो उसको हम नीचे कर दें अच्छे उससे। तो लेकिन कोशिश करें कि बिज़नेस अच्छा ही करें, ताकि रिव्यूज़ आपको अच्छे मिलें, 5-स्टार मिलते जाएं। लेकिन आजकल क्योंकि ना लोग बहुत अहमियत देते हैं, अगर आप हम जैसे जैसे इस चीज़ की अहमियत बढ़ती जा रही है, तो हर बिज़नेस, हर ख़ास तौर पर जो सर्विस इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं या कोई इस किस्म की जो पब्लिक डीलिंग के होते हैं बिजनेसेस, उसमें लोग आपसे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आपसे खुश हों या 100% आपसे खफा हों। तो बाज़ लोग आजकल एक बहुत अच्छे तरीके से ना अपनी जो एंगर है उसको इनके थ्रू गूगल में जाकर रिव्यूज़ आपके फौरन दे देंगे, या आपके फेसबुक पे आके फॉरन रिव्यूज़ दे देंगे। तो आपको, और ये इससे लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आजकल जब भी कोई नया बिज़नेस हम किसी कंपनी के साथ करने जा रहे होते हैं, इवन हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, तो हम उसके रिव्यूज़ लाजमी पढ़ते हैं। आजकल ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है। और अगर खुदा न खास्ता आपके पहले 3-4 रिव्यूज़ ही नेगेटिव हैं, तो क्या हम वहाँ पे जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अपना रास्ता कहीं और लगाएंगे। तो ये बहुत अहम है कि ये एक बिज़नेस ओपिनियन आपके बिज़नेस के लिए
ये इसको आपने पॉजिटिव रखना है। तो इसीलिए आपको अपनी जो सर्विस है, कस्टमर केयर है, वो बहुत अच्छी रखनी है। ताकि ये बता दूं कि जब भी आप किसी को आजकल नाराज़ करेंगे, वो घर जाकर सबसे पहला काम यही करेगा कि आपके गूगल पेज पर या आपके फेसबुक पेज पर नेगेटिव रिव्यू देगा। तो इससे आपने बचना है। तो ये हो गया। उसके बाद एक बटन आपके पेज पर होता है जो कि एक्शन बटन जिसे कहते हैं, कि आप किसी को अगर ड्राइव करके अपने पेज पर लेकर आ रहे हैं तो आप ये देखना है कि वो आपको कांटेक्ट कैसे करें। अब इस बटन को आप काफ़ी जो भी आप एक्शन करवाना चाहते हैं, जो भी आप चीज़ चाहते हैं कि आपका जो फॉलोअर है वो पेज के ऊपर आके क्या करें, तो इसमें काफ़ी वैरायटी मौजूद है। इसमें सेंड, आपको मैसेज सेंड कर सके मैसेंजर पर, या आपकी कोई किसी वेबसाइट को विज़िट कर सके, वहाँ से किसी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सके, किसी ऐप को या किसी चीज़ को डाउनलोड कर सके, और बहुत सारे ऑप्शंस अब पहले इसमें अब फेसबुक ने दे दिए हैं। अगर आप जब आप पेज बनाते हैं तो आपको वो पूछता है कि जो बटन है उसका क्या एक्शन रखना है, उस एक्शन में बेतहाशा पेजेस क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो उनको आपने बड़े सोच समझ के अच्छे तरीके से, ज़्यादातर मैसेजिंग का ही रखा जाता है, या अगर आपके कोई ऐप है या कोई आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको डाउनलोडेबल बना दिया जाता है, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेब ट्रैफिक इंक्रीज करे तो फिर आप उसको वेब पे लेके चले जाते हैं। आपके जो अगर आपकी वेबसाइट जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफर करती है तो आप कोशिश करते हैं कि जो फेसबुक की ट्रैफिक है उसको अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट करें और वहाँ पे साइनअप्स या रजिस्ट्रेशन को इंक्रीज़ करें। तो ये आप उस एक्शन बटन से फ़ायदे ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ अब आप देखें कि इसमें आप जो मैसेंजर है उसको ऑटोमेटिकली पॉप अप होता है आजकल, तो मैसेंजर सेटिंग जो है अपने उसमें आप कई तरीके से कर सकते हैं। अब आप उसमें पहले से क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं कि आप ये होता है ना, जैसे कि उन आपके जो विजिटर्स आ रहे हैं उनसे आप पूछ लें कि आप क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उनके पास आ जाते हैं जिनमें से वो चूज़ करके आपसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक और बताऊँ कि अब नया, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप एक हो चुका है, तो अब ये जो बटन है एक्शन बटन, इसमें आप व्हाट्सएप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर आप उस पेज के बटन को व्हाट्सएप बटन बना दें तो आपको आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा फौरन, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो भी बड़ा इफेक्टिव है। दूसरी चीज़ जो कवर इमेज है, अच्छा उसको जितना सादा रख सकते हैं ना उतना सादा रखें। आजकल उसमें स्लाइड शोज बन जाते हैं, उसमें आपने वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं, 90 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कर सकते कोई छोटी प्रेजेंटेशन। अच्छा, होता ये है कि आपको ये देखना है क्योंकि इसका बिहेवियर डिफरेंट है डेस्कटॉप्स पर और उस पर मोबाइल्स पे। तो हम बाज़ दफ़ा जब आप डिज़ाइन करते हैं कवर, तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपका जो डिज़ायर्ड कंटेंट है कवर पेज के ऊपर, कवर इमेज के ऊपर, वो मोबाइल पे भी उतना ही क्लियर हो जितना डेस्कटॉप है। अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो फेसबुक है वो मोबाइल और सेलुलर डिवाइसेस से उस पर ऑडियंस आती है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा एम्फेसिस उस पर दें कि आपका जो कवर इमेज वो क्लियर हो मोबाइल डिवाइसेस पर। बाज़ दफ़ा होता है कि आपके जो डिज़ाइनर्स होते हैं, आपके जो वो होते हैं, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स पे बैठ के चीज़ बना रहे होते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं रहता कि ये जब किसी सेलुलर डिवाइस पर खुलेगा तो उसका आधे से ज़्यादा कंटेंट कट जाएगा, तो उस हिसाब से उसको वो करें। और सेकेंडली, जो वीडियोस हैं और जो स्लाइड शोज़ हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं चलते इस पे मोबाइल डिवाइसेस पे, तो कोशिश करें, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सिंगल इमेज रखें, वीडियोज़ वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। वीडियो करेंगे तो कोई उसको प्ले करे या ना करे, क्योंकि ऑटो प्ले बंद किया हुआ होता है लोगों ने, तो वो आपका हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ज़ाया हो जाए, लोग उसको ना देखें। तो स्टैटिक इमेज पे जाएं, इमेज क्लियर हो, अच्छी हो, उस पर मैसेज आपके बिज़नेस से मुतल्लिक बड़ा क्लियर होना चाहिए। और
उसको इस तरह अलाइन करें कि वो डेस्कटॉप पे भी अच्छा नज़र आए और दूसरा आपकी मोबाइल डिवाइसेस पर या टैब्स पर भी वाज़े हो, तो उसको देखें। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि आजकल आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये भी एक ही कंपनी है दोनों, तो आप इसको इंटीग्रेशन इसकी भी सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं कि जो चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक में वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम में भी चली जाए, या आप जब एड्स चलाते हैं तो वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी आसानी है। दूसरी चीज़ मैसेंजर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं पोस्ट डिज़ाइनिंग की तरफ, जहाँ पे आपने अट्रैक्ट करना है जो आपके जो एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है आपके पेज पर। एक और चीज़ यहाँ पे मैं फिर भूल जाऊँगा कि आप अपने पेज के साथ ग्रुप्स को भी एसोसिएट कर सकते हैं, तो अगर आप एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं तो अपने पेज के नाम से उसी नाम से या उसी बिज़नेस के लिए एक ग्रुप भी क्रिएट करें साथ ही, क्योंकि दोनों हैं, एक आपकी फॉर्मल कॉर्पोरेट कम्युनिटी डेवलप हो रही है पेज पे और दूसरी आप एक बस कह लें कि इनफॉर्मली आप कम्युनिटी को वहाँ पर जमा कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, तो वहाँ पे और ग्रुप्स को भी हम पेजेस के थ्रू ही प्रमोट कर सकते हैं, तो ये उसको एसोसिएट कर लीजिए। अब जो पहले एक स्टोरी की अबाउट अस में स्टोरी का ऑप्शन होता था, अब वो मुझे मालूम हुआ है कि अब फेसबुक उसको रोल आउट कर रहा है, वो मेरा ख्याल अब अवेलेबल नहीं होगी जो नए पेजेस बनेंगे। और भी बहुत सारी ऑप्शंस फेसबुक सिंप्लीफाई की तरफ जा रहा है कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, जैसे कि अब एड मैनेजमेंट का आपको एड मैनेजर जो पहले देता था फेसबुक उसको भी बहुत ज़्यादा तेज चेंज कर दिया उसने। अब जो आपको फेसबुक स्टूडियो का भी ऑप्शन मिल गया है जहाँ से आप बड़ी क्रिएटिव और अच्छी मल्टीमीडिया या अच्छी किस्म की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस है। फिर उसके बाद आप वैरायटी ऑफ एड्स एड मैनेजर्स के थ्रू जब आप करते हैं तो आप बहुत सारे रिस्पॉन्स बेस्ड जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है आपका कि आप अपने इस एड कम्पेन से किस किस्म का रिज़ल्ट चाहते हैं वो भी आप बड़े आराम से डेवलप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप एंगेजमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मैसेजेस ज़्यादा आएँ या एंगेजमेंट या रिएक्शन ज़्यादा आएँ कि लोग लाइक ज़्यादा करें या फिर लीड जनरेट करें, तो ये सारे ऑप्शन जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको स्टूडियो में अवेलेबल होते हैं कि आपकी ऑप्शंस क्या हैं, आप किस तरीके से डिज़ाइनिंग के लिए आप स्टूडियो यूज़ करेंगे, फेसबुक का स्टूडियो जो है, और उसमें और भी मैनेजमेंट की और काफ़ी रिपोर्टिंग मौजूद है। दूसरी चीज़ आप जब आप कंपेन रन करते हैं तो मैनेजर यूज़ करेंगे, और अगर आप डायरेक्ट जो पेज है आपका उसमें भी साइट पे ऑप्शन होती है प्रमोशन की, उसमें आप पेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, उसमें आप अपनी पोस्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं, जो बूस्ट का छोटा सा नाम आ रहा होता है। अगर आप इतने ज़्यादा इन डेप्थ इस चीज़ को नहीं जानते तो आप मैनेजर को और स्टूडियो के बगैर भी आप बूस्ट के बटन को क्लिक कर कंपेन रन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो जिनका एक्सपीरियंस है एड्स को रन करने का और उनको मालूम है कि किस तरीके से एंगेजमेंट्स बढ़ानी है, किस तरीके से लाइक्स को ज़्यादा लेकर आना है, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है या एक ओवरऑल एंगेजमेंट पूरे पेज पर बढ़ानी है, वो उनको अपने एक्सपीरियंस से और अपने मुख्तलिफ तजर्बात से उनको पता होता है कि, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं कि किस तरीके से किस टाइप की पोस्ट किस टाइम पर किस तरह बूस्ट की जाएगी तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ बता दूँ कि जो बेस्ट चीज़ है वो ऑर्गेनिक और पेड बूस्ट का कॉम्बिनेशन। देखें, आप ऑर्गेनिकली जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैंने पिछली जो वीडियोज़ थी उसमें मैंने ऑर्गेनिक को डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक मीन कि आप मैनुअली शेयरिंग की मदद से जो लोगों को अपने अपने पेज पर ला रहे होते हैं वो एंगेजमेंट बड़ी स्टेबल होती है और लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि वो लोग आपकी एक नॉन स्पॉन्सर्ड शेयर्ड पोस्ट को देख के आपके पेज पर आ रहे होते हैं।
तो वो इसका मतलब उनमें वाकई कोई इंटरेस्ट होता है और इसी वजह से उस उधर से आपको लाइक्स फौरन मिलते हैं। तो बूस्ट कैंपेन्स, पेड कैंपेन्स चलाने से पहले आप कोशिश करें कि आप अपने पेज पर एक अच्छी खासी एक्टिविटी क्रिएट कर लें ऑर्गेनिक शेयरिंग के थ्रू, और एक अच्छा अमाउंट यानी कि 300 to 400 फॉलोअर्स तक आप ऑर्गेनिकली ले जाएं अपने पेज को। उसके बाद आप बूस्टिंग स्टार्ट करें, आप पेड बूस्ट स्टार्ट करें। अच्छा, दूसरा पेड बूस्ट में मैं आपको बड़े एक ट्रिक्स थोड़ी सी बताऊंगा कि आपने सबसे पहले एंगेजमेंट क्रिएट करनी है। आपने पेज जो जितने भी पोस्ट्स डिज़ाइन करने हैं वो इस किस्म के हों कि आपको लाइक्स ज़्यादा आए, आपकी एंगेजमेंट बढ़े, आपकी आपके फॉलोअर्स बढ़ें। अब यहाँ पे अब दो तरह के हैं कि आपने साथ साथ पेज लाइक और फॉलोअर की जो कैंपेन है वो भी रन करनी है। उसको आप बेशक $2 or $3 या $4 or $5 पर डे के हिसाब से, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से सेट कर लें और उसको लॉन्ग टर्म रखें। यानी कि उसमें अगर आप कम से कम 7 days के लिए उसको सेट करें, यानी कि $3 अगर रख रहे हैं तो उसको आपने जो टाइम फ्रेम दिया है वो आप तकरीबन 7 days का दें, आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, आपके लाइक्स ज़्यादा होंगे। देखें जो इसमें बहुत सारे फार्मूले एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं फेसबुक के, अब जो हम मुझे अंदाज़ा है इस तजर्बा हो गया है कि जब आप उसको, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि शुरू में आपने एकदम सिर्फ लाइकिंग की तरफ भी नहीं जाना, सिर्फ ऑर्गेनिकली अपने पेज पे एंगेजमेंट क्रिएट करें और फिर साथ ही आप पेज को बूस्ट पे लगा दें, पेज को जिससे आपको पेज के फॉलोअर्स और पेज के, अब जब वो आपकी जब आप इनसाइट्स में जाएंगे ना तो आप देखेंगे जब आपके पेज के जो मैक्सिमम अपने लेवल तक पहुंच गए हैं, जो आपके जो एक एस्टिमेट फेसबुक ने आपको दिया था कि इतने आपके डेली लाइक्स होंगे और उसमें होंगे, जब आप उसके करीब होते हैं तब आप पोस्टिंग्स शुरू कर दें, तब आप पोस्ट डेवलप करें, पोस्ट डिज़ाइन करें और लाइक्स लेने की कोशिश करें, एंगेजमेंट लेने की कोशिश करें। अब दो तरह की ट्रैफिक आपके पास आ रही है, बल्कि यहाँ पर तीन तरह की, अब आपको क्या हो गया कि आपके पेज के ऊपर तीन तरह की ट्रैफिक आ रही है। एक तो ऑर्गेनिक शेयरिंग आती है जिसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है। देखिए, अगर आपने 100 ग्रुप्स में अपना शेयर कर दिया ना पेज को या पेज की पोस्ट को, तो वो जो शेयर्ड कंटेंट है ना वो काफ़ी अरसे तक रहेगा और ऑर्गेनिकली जो फेसबुक का जो शेयरिंग का और पुश इंजन है वो जब करता रहेगा अपने उस ग्रुप को, काफ़ी अरसे तक उसको खुश करता रहेगा। आपको नहीं मालूम होगा, आप देखेंगे कि आपके पेजेस पर कहीं ना कहीं से लाइक आना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद भी आना शुरू हो जाएंगे। वो इसी वजह से कि वो आपकी जो मैनुअल शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही होती है। अब वो एक ट्रैफिक आ रही है, दूसरा ट्रैफिक आपका ये आ रहा है कि आपने बूस्ट शुरू कर दिया, पेज को बूस्ट करना शुरू कर दिया जिससे आपके लाइक्स और आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब आपको लाइक्स और फॉलोअर्स का मैंने आपको फ़र्क बता दिया था कि क्या होता है। दूसरी चीज़, आपने पोस्ट को बूस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब पोस्ट, तो आपने जो भी रीजन, जो जियोग्राफिकल एरिया सेलेक्ट किया है, कंट्री, सिटी या जो भी उसमें अंदर का एरिया वो सेलेक्ट किया है, तो आपने, हो सकता है कि पेज जो ऑर्गेनिक स्प्रेड होता है जो शेयरिंग के थ्रू होता है वो फ्री विल होता है, वो यानी कि उसका कोई, हम उसको सेट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को नज़र आए या सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को नज़र आए। वो ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप में बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग मुख्तलिफ एरिया से जमा होते हैं, तो वो एक अंधा तीर होता है कि जी वो कहीं भी जा सकता है। और किसी तरफ से भी आप देखेंगे कि आपको, आप जब आप इनसाइट्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मुल्क भी नज़र आएंगे जहाँ से लाइक्स आए हुए हैं या कंट्रीज आए हुए जहाँ आपने कोई एक्टिविटी नहीं की लेकिन वो उन ग्रुप्स की वजह से आए हुए होते हैं। तो वो आपके ऑर्गेनिकली एक हर तरफ से लिंक्स और लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम पेड पे जाते हैं और जो पेज को लाइक का हमने करने का बूस्ट चलाया हुआ है उसको आप ब्रॉडर रखें, यानी कि अगर आपने आपकी टारगेट मार्केट जो है वो
10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है तो उसको तो आप 50 किलोमीटर तक रखें ताकि पेज का जो आपका जो एक्टिविटी है उसको ज़्यादा लोग नज़र आए उस एरिया के, और जो पोस्ट है उसको आप माइक्रो करते जाएं, ठीक है, एग्जैक्टली वो लोग जो आपके डिज़ायर्ड लोग हैं तो आप देखेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने जैसे आपको बताया कि जो पेज का आपने जो बूस्ट कम से कम लगाना है 7 डेज का लगाना है, ठीक है, और उससे पहले आप कम से कम 50-60 ग्रुप्स में शेयरिंग कर चुके हों अपने और पेज को, और इनवाइटी जो मैंने आपको बताया था कि अपने दोस्तों को ऑलरेडी इनवाइट करते हों, तो ये सारा कुछ एकदम एक्टिविटी बनेगी और आपकी एक्टिविटी जो है ना 60-40,000 रीच तक पहुंच जाएगा विद इन 7 डेज। और फिर प्लस क्या होगा कि आप ने जो बूस्ट किया है पोस्ट को वो आपके एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस पे जाएगा और उनका उसका इम्पैक्ट फिर आपको आना शुरू हो जाएगा, आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने मैसेज एंगेजमेंट ओरिएंटेड एड लगाया है, पोस्ट को हमेशा आप एंगेजमेंट पे लगाएं, उसमें आप प्री डिफाइंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो दें, और अगर आपने लीड्स लेनी है तो फिर आप लीड जनरेशन की एक्टिविटी को एक्टिवेट करें, तब वो आपके इनसाइट्स में भी नज़र आना शुरू हो जाएगी कि आपके जो लीड जनरेशन का जो टूल है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जो थर्ड पार्टी टूल्स आजकल अवेलेबल है ना, जो पोल्स क्रिएट कर देते हैं या आपके अपॉइंटमेंट्स क्रिएट कर देते हैं या ये इसका, ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई फ़ायदा देंगे। ये पेज को हैवी करते हैं, पेज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोगों को इधर से उधर। किसी ने आपकी अपॉइंटमेंट लेनी होगी या अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में कोई इंटरेस्टेड है तो उसको किसी भी तरह वहाँ पे उस लेवल पे जो एक सोशल नेटवर्क है वहाँ पे आप उसको रेगुलेट ना करने की कोशिश करें, उसको फ्री रखें, वो जिस वक्त चाहे जिस तरह चाहे आपसे कम्युनिकेट करे। इट्स अ सोशल नेटवर्क, इट्स नॉट अ कि आप उसको फॉर्मल तरीके से डेट्स देना शुरू कर दें, टाइम देना शुरू कर दें। वो वहाँ पर सोशल मीडिया में, फेसबुक में इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जब वो आपकी वेबसाइट पे आता है तब वो फॉर्मली कम्युनिकेशन आपसे चाहता है। तो वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट पे कोई इस किस्म का टूल मौजूद है अपॉइंटमेंट्स का या इसका, तो वो वहाँ पे रेडी होगा उसके लिए। सोशल नेटवर्क्स में इज़ नॉट रेडी एट ऑल कि वो किसी अपने आप को किसी जगह पे फंसाए और कोई कमिटमेंट करे आपके, जिसको वो ख़ुद भी बाद में भूल जाएगा। सोशल मीडिया की चीज़ें आपको याद नहीं रहती इतनी देर, ठीक है, जब तक कि बार बार ना जाएँ। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपकी जो पोस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी इसमें बहुत कुछ मुझे बताना है आपको लेकिन टाइम फिर वही ज़्यादा होता जा रहा है, कि पोस्टिंग का टाइम सुबह के वक्त आपकी पोस्ट लग जानी चाहिए या शाम के वक्त लगनी चाहिए, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, या फिर आप इतना रख लें कि आप रात को अपने जो 12-1 बजे के करीब नई पोस्ट डाल दें तो सुबह वो अपने टाइम पे उस एल्गोरिदम में आ जाएगी, या जब आप 3-4 बजे नमाज के लिए सुबह उठते हैं उस वक्त डाल दें तब वो 8-9 बजे अपने बूस्टिंग टाइम पे आ जाएगी, या फिर आप 6 बजे शाम को डालें तो फिर वो जब आपके लोग, हमारे लोग जब 7-8 बजे अपने बेड्स पे या अपने रिलैक्स होकर बैठते हैं तब वो ब्राउजिंग करते हैं, वो देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लिक्स एंड स्क्रॉलिंग, तो ये टाइमिंग होते हैं। दूसरी चीज़ आपको एक यहाँ पे और बता दूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है, फिर मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगा, कि जो पोस्ट है उसको आपने 4 डेज के लिए मिनिमम चलाना है, चाहे उसका आप $1 का बजट रखें डेली या $2 का रखें या $3 का रखें, लेकिन उसका जो टाइम है वो 4 डेज या 4 डेज प्लस होना चाहिए। इसके अगर आप 1 दिन के लिए चलाएंगे तो आपको इम्पैक्ट कम मिलेगा, अगर आप 4 डेज के लिए चलाएंगे तो वो अच्छे तरीके से जो उसके एल्गोरिदम्स हैं वो उसको स्प्रेड करेंगे आपके टारगेट एरिया में, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकेंगे उसको और आपको कम रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये मेरे अपने, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हर किसी के अपने तजर्बे होते हैं ना, ही हम फेसबुक को जो मेन कंपनी है वो जानती है बेसिकली क्या होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ जो बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे कर रहे होते हैं कि हमने देखा हुआ होता है कि किस किस ऐड को हमने 2 दिन के लिए चलाया
तो उसके क्या, इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा पब्लिकली एक्सेप्टेबल होती है और लोग उसको बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे होते हैं, तो उस पर इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। एक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बहुत ही निश के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है, तो ज़ाहिर है उसको उसमें इंटरेस्ट भी उतना ही आएगा। तो ये बहुत सारा एक मार्केटिंग मिक्स बनता है। तो जो एक्चुअली हम देखें सोशल मीडिया में ना, एक्चुअली जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि आप इसको बड़ा इजीली मेजर कर लेते हो। पहले मार्केटिंग में हमें, जब हम न्यूज़पेपर एड देते थे या मैगजीन एड्स देते थे या टीवी पे एड्स देते थे, तो उसको मेजर करने में, उसके इम्पैक्ट को कि हमें उससे कितना फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब हमें टूल्स हैं कि हमें पता है कि एक लाइक है, लाइक हो सकता है कि वैसे भी कर दिया हो किसी ने, लेकिन एक मेजरिंग एक टूल है जिससे हम देख लेते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को एक जनरल रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, फिर एंगेजमेंट आ जाती है, फिर लीड्स आ जाती हैं। तो इससे आप मेजरेबल हो गए हैं अपनी ऑडियंस, अपनी कंपेन को देखने में। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ इसको, अभी इसको आगे और भी लेके चलेंगे कि जो पोस्ट है उसको किस तरह का होना चाहिए, किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, किस और कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी किस किस तरह की जो पोस्ट्स हैं वो बन सकती हैं, और उनको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह लिया जा सकता है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सीक्वेंस होता है। मुझे ख़ुद भी नहीं बाज़ दफ़ा याद रहता कि मैं पिछले उसमें क्या बता चुका हूँ और क्या मुझे बताना है। ये फिलबदी होता है, ना मैंने कोई तैयारी की हुई होती है ना कुछ, जो मैं बोल रहा होता हूँ बस उसको लेके चलें। बस मुझे ये पता होता है कि यहाँ तक मैंने आपको बताया था, मैंने आगे लेके चलना है। तो अब आगे हम और इन डेप्थ पोस्ट डिज़ाइनिंग को चेक करेंगे कि और कैसे हो सकती है, किस तरह हो सकती है, कौन सी पोस्ट ज़्यादा रिस्पॉन्स लेकर आएगी, कौन सी कम लेकर आएगी, और क्यों लेके आएगी, क्यों ज़्यादा लेके आएगी और क्यों कम लेके आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकॉन भी दबा लें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।